हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेन नॉलेज। मैं हूं आपका फ्रेंड सचिन। आज इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए जानते हैं कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, इसके टाइप्स देखेंगे, फिर इसके एडवांटेज देखेंगे। दिस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्व द रियल टाइम सिस्टम। मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो प्रीफर करता है रियल टाइम सिस्टम्स को, क्योंकि इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि प्रोसेस को एक क्वांटम टाइम या एक रिस्पांस टाइम दे दिया जाता है कि इसके बीच ही अपने वर्क को परफॉर्म करना होता है। तो इसके लिए हमें कौन से सिस्टम की जरूरत पड़ती है, रियल टाइम सिस्टम की जरूरत पड़ती है। द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट इज वेरी स्मॉल। इसमें क्या होता है कि हर एक प्रोसेस को एक टाइम इंटरवल दे दिया जाता है, टाइम लिमिटेशन दे दिया जाता है कि इसी टाइमिंग के बीच आपको अपना वर्क या प्रोसेस को परफॉर्म करना है या तो कंप्लीट करना है। एंड रिस्पॉन्स टू इनपुट इज वेरी लेस। इसमें क्या होता है, जो हमारा इनपुट रिस्पॉन्डिंग टाइम होता है वो बहुत ही लेस होता है। दिस टाइम इंटरवल इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम। जो टाइम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए दिया जाता है, प्रोसेस को जो टाइम दिया जाता है, इस टाइम को हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स टाइम। मतलब सीपीयू द्वारा किसी प्रोसेस को वर्क परफॉर्म करने के लिए जो टाइम दिया जाता है, उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। रियल टाइम सिस्टम्स आर यूज्ड व्हेन देयर आर टाइम रिक्वायरमेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। जनरली रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या रियल टाइम सिस्टम का यूज हम यहाँ करते हैं जहाँ पे टाइम रिस्ट्रिक्शन बहुत ही स्ट्रिक्ट हो। मतलब किसी भी वर्क या प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए टाइम बाउंडेशन हो कि इसी टाइम इंटरवल के बीच हमें वर्क को परफॉर्म करना है या प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ ऐसे कंडीशन होते हैं, इस कंडीशन पे हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं। लाइक मिसाइल सिस्टम, जैसे कुछ जगह है जहां की हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, जैसे मिसाइल सिस्टम में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में, रोबोट्स में एक्सेट्रा। मतलब जैसे रोबोट्स में हम लोग जनरली रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज होता है, क्योंकि इसमें टाइम इंटरवल दिया होता है कि एक प्रोसेस को हमें 2 सेकंड या 3 सेकंड में कंप्लीट करना, तो इतने में ही कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि हम इससे लेस रिस्ट्रिक्शन हो जाए कि हम 4 मिनट या 5 मिनट में वर्क को परफॉर्म करें। तो जनरली फ्रेंड्स, ये था हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जनरली दो प्रकार टाइप्स के रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए जानते हैं हार्ड रियल टाइम क्या होता है। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर मेड फॉर द एप्लीकेशन वेयर टाइम कंस्ट्रेंट्स आर वेरी रिस्ट्रिक्ट। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारा टाइम रिस्ट्रिक्शन होता है बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। इवन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिले इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसमें क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी, अगर आपको प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा भी लेट होता है तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि आप प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते। अगर आप लेट तो आपके प्रोसेस को एग्जीक्यूशन या टाइम क्वांटम अगर आपका ओवर हो जाएगा तो प्रोसेस को एग्जीक्यूट सीपीयू नहीं करेगा। इसके बाद हमारा दूसरा आता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर फॉर एप्लीकेशन वेयर फॉर द टाइम कंस्ट्रक्ट इज वेरी लेस। जनरली इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हम मोबाइल एप्लीकेशन में करते हैं जिसमें क्या होता है, टाइम जो बाउंडेशन है, रिस्ट्रिक्शन होता है वो बहुत लेस होता है। ऐसा नहीं कि मतलब अगर 2 सेकंड में किसी वर्क को परफॉर्म करना है, अगर हमारा प्रोसेस या सीपीयू उस वर्क को परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इसको टर्मिनेट कर देगा। इसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन बहुत कम होता है। अगर प्रोसेस हमारा थोड़ा लेट भी है, डिले भी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसके बाद बात हम करते हैं एडवांटेज ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला इसका एडवांटेज है मैक्सिमम कंजम्पशन। मैक्सिमम कंजम्पशन मतलब क्या, अधिक से अधिक वर्क को परफॉर्म करना, क्योंकि इसमें हमारा सीपीयू क्या होता है, न्यूट्रल या आइडल टाइम में नहीं, आइडल रहता ही नहीं, क्योंकि एक प्रोसेस आता है, एग्जीक्यूट करता है, इसको एक टाइम इंटरवल दे दिया जाता है, इसके बाद दूसरा प्रोसेस आता है तो दूसरा प्रोसेस वर्क परफॉर्म करने लगता है। इससे क्या होता है, हमारा सीपीयू आइडल नहीं होता। इसके बाद मेमोरी एलोकेशन, इसमें क्या होता है, मेमोरी एलोकेट पहले ही कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें टाइम रिस्ट्रिक्शन का बाउंडेशन होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि प्रोसेस को, कोई भी प्रोसेस, अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस सीपीयू में एग्जीक्यूट किया प्रोसेसिंग के लिए, तो इसकी जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो पहले से ही एलोकेट कर दी जाती है। फिर इसके बाद तीसरा है हमारा फोकस ऑन एप्लीकेशन। इसमें जो हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो प्रोसेस का मेन टारगेट क्या होता है, फोकस ऑन एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है कि ना तो
ये हमारा जो प्रोसेस हो ना तो डिले हो कर सकता है और ना तो कहीं जा सकता है, मतलब इसका मेन टारगेट कि अगर कोई वर्क को परफॉर्म करने के लिए एग्जीक्यूट हुआ तो इस वर्क को जल्द से जल्द ये परफॉर्म करे, क्योंकि इसमें हमारा जो टाइम बाउंडेशन या टाइम रिस्ट्रिक्शन होता है जिसके कारण हमारा प्रोसेस जल्दी से जल्दी वर्क को परफॉर्म करता है। तो फ्रेंड जनरली ये था हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन।